नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टेक होम टिप्स में आपका स्वागत। आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड पिज्जा की आसान रेसिपी। तो ये आप आसानी से घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है और चार ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। इसके साथ हमें चाहिए चीज, जो मैंने यहाँ पर हाफ कप लिया है। ये मुझे डाइस फॉर्म में मिला था, ये मोजरेला चीज़ है। इसके साथ वेजिटेबल्स, मैं यहाँ पर ग्रीन बेल पेपर यानी कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, टमाटो यूज़ कर रही हूँ, अनियन और कॉर्न, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे शेप में काट लिया है सारी वेजिटेबल्स को। और कॉर्न को मैंने फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर में ले आई हूँ। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, जो होममेड है। मैंने अभी रिसेंट वीडियो में शेयर की थी इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ थोड़े से, और मिक्स हर्ब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा रेसिपी, जो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैंने एक स्लाइस ब्रेड की ले ली है, इसे मैंने वर्किंग बोर्ड पे रखा है, और अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हमने चॉप करे हैं वो डालेंगे। अब वेजिटेबल्स डालने के बाद मैंने इसमें चीज की एक लेयर लगानी है। चीज की लेयर लग के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें हर्ब्स को स्प्रिंकल करूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं चिली फ्लेक्स इस पर डाल दूंगी, और अब मिक्स हर्ब्स मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। तो यहाँ पर चारों ही ब्रेड स्लाइसेस में मैंने वेजिटेबल्स और चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और ये बिल्कुल कुक होने के लिए रेडी है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं गर्मा गर्म चीज़ ब्रेड का। अब हमें इसे कुक करना है, तो इसे हम तवे पे कुक कर रहे हैं। तो मैंने गैस में एक पैन रख दिया है, तवा रख दिया है, फ्लैट तवा, और उसे मैंने लो गैस फ्लेम में ऑन कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं अपना ब्रेड रख सकूं। तो अब मैं अपना ब्रेड पिज़्ज़ा इसके ऊपर रख देती हूं। अब हमें इसे एक लिड से कवर करना है, तो मैं एक ढक्कन इसके ऊपर रख देती हूं, और इसे कुक होने देते हैं जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यहां पर बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ताकि ब्रेड को कुक होने में टाइम लगे और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो। वाओ, यहाँ पर चीज़ देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, और लगभग 1.5 मिनट में हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। तो अब मैं इसी तरह से बाकियों को भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नए एक्साइटिंग फूड वीडियो के साथ। तब तक आप टेक होम टिप्स देखते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।